আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া نستাইনু ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم
बड़ा सोना चन्ने अब्दुल्लाह दा बेमिसाल बड़ा सोना आमीन माई दा है लाल बड़ा सोना चन्ने अब्दुल्लाह दा बेमिसाल बड़ा सोना त्वाखा पेशानी यासीन दसहराए त्वाखा पेशानी यासीन दसहराए नशरा हसीनाए वल फजर चेहराए जुल्फ दकी पुछड़े जुल्फ दकी पुछड़े हर बाल बड़ा सोना चन्न अब्दुल्ला दा बेमिसाल बड़ा सोना वेख के सोने नू दिल फड़ लिया माया ने वेख के सोने नू दिल फड़ लिया माया ने सादिया नू आख्या रल मिल दाया ने जेड़ाया जियाया जेड़ाया जियाया तेरे नाल बड़ा सोना चन्न अब्दुल्लाह दा बेमिसाल बड़ा सोना चन्न अब्दुल्लाह दा बेमिसाल बड़ा सोना आमीन माई दा है लाल बड़ा सोना चन्न अब्दुल्लाह दा बेमिसाल बड़ा सोना हर किस्म दी हमदो सना तारीफ किबरियाई वहदाई यकताई बादशाही शहनशाही अल्लाह मालिकुल अल्लाम दिजात वास्त अनगिनत ला तादाद बेहदो हिसाब दरोदो सलाम आकाए दो जहान सरवरे कोनैन इमामुल हरमैन इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नत मेरे और तहाड़े दिलां दी बहार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दी जात ते अक्दसो अतहरो आला और बलावास्त हजरात मोहतरम नजाशी दे दरबार के अंदर हजरत सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े ने और नजाशी ने सवालात शुरू किए कि तुसा किदा कलमा पढ़िया है वो कौन है और तुहानू दरस किस चीज़ का देंदा है तुसी पहले किते सो कलमा पढ़न तो बाद हुन तुसी किस स्टेज ते खड़े तो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह के दरबार के अंदर एक नक्शा खिंचया है अहले अरब का कि असी पहले किस स्टेज ते सां और अलहम्दुलिल्लाह असी इस वक्त किस स्टेज ते खड़े हैं जी फरमाओ फरमाया पहले साड़िया हड्डियां दे अंदर रिश्वत रची सी पहले साढ़े दिलों के अंदर सूद रचिया सी
पहले साडे जहनां दे अंदर जिनाकारी बदकारी जुवा रिश्वत सूदखोरी कतल डाका चोरी जुलम ज्यादती शराब नौशी हराम कारी नाजायज हमले नाजायज कत्लो गारत तना तना दी खराफात दे अंदर असी उस वक्त मुबतला सी। लेकिन जिस स्टेज ते असी अज खड़े हाँ अल्हम्दुलिल्लाह असी अपने दिल नु मुतमाइन और पुरसकून समझ रहे हाँ। मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम ने भी इस दे बरअक्स इरशाद फरमाया जिस वक्त दे अंदर अल्लाह पाक ने मेरी मुहम्मद दी जात सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम नु मबऊस फरमाया है तो लोग जहन्नम दी दीवार ते डिग मगा रहे सन, कुछ गिर गए सन, कुछ गिर रहे सन और कुछ गिरन वास्ते तैयार खड़े सन। और अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात पाक नु मबऊस फरमा के वो गिरन वाले डिग मगान वाले लर्ज जान वाले दीवार ते खड़े लोगों नु मेरे पैगंबर खिच खिच के पीछे ले आ रहे ने, खिच खिच के पीछे ले आ रहे ने। और जड़े जहन्नम के अंदर गिरन नु जल्दी के अंदर सन, बगैर ताखीर दे छलांग लगाने लई तैयार सन और जहन्नम उन्हां दी मुंतजिर सी, उन्हां नू मेरे पैगंबर ने जन्नतुल फिरदौस दे टिकट अता फरमा छोड़े। जिस दौर अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया ते तशरीफ ले करके आए इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद मिनटां दे अंदर तुहाडे सामने अरब दे ओ हालात वाकयात रखना मकसद है। उस वक्त अंदर अहले अरब दे अंदर सिर्फ दो ऐसे शख्स सन, दो ऐसियां हस्तियां सन जड़ियां के तकरीबन सिराते मुस्तकीम ते पैरा सन। एक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा उना दे चचाजाद भाई वरका बिन नौफल और दूसरे हजरत सय्यदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो उन्हां दे बहनोई हजरत सैयदना जैद और हजरत सैयदना सईद हजरत उमर फारूक ने जो बहनोई ने उन्हां दे वालदे मोहतरम जैद बिन अमर जो के ये दो हस्तियां सिरात मुस्तकीम ते पैरा सन और जो हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु दे बहनोई सईद दे वालदे मोहतरम उन्हां दे बारे मशहूर सी कि अहले अरब जदो अपनियां बच्चियां नू जिंदा दरगोर करन वास्ते निकलदे ते ओ जैद बिन अमर उन्हां दे सामने इंज हथ बन के खड़े हो जांदे, कहंदे तनु मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना हाँ इना फुलां जियां बच्चियां नू मट्टी दे अंदर जिंदा दफन न करना। और लिखिया है तारीख दाना ने सैकड़ों ऐसियां बच्चियां सन जिड़ियां उन्होंने उन्होंने कोलों मिन्नत करके माजरा करके सिफारिश करके हाथ फैला के उन्होंने सामने उन्होंने कोलों बच्चियां लईयां और उन्होंने सैकड़ों बच्चियां की कफालत भी की है। इतने ओ लोग उन्होंने अकायद उन्होंने अफकार उन्होंने जहन उन्होंने अधियान
जो कि इंतहाई दर्जे तक डैमेज हो चुके सन, खराब हो चुके सन। उस वक्त अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर नु मबऊस करके फरमाया, ए मोमनो मैं तुहाडे ते एहसान कर छोड़िया है। तो आइए चंद मिनटा के अंदर यही थोड़े सामने रखना है। मैं दुआ करन लगा, दिली तौर पर आमीन पढ़िया जे। मेरी दुआ है अल्लाह मैनु हक और सच बयान करन दी तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक असा सारिया नु इहदे उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद गज के पढ़ो ते सारे पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान, अल्लाह फरमांदे ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलं मिन अन्फुसिहिम यत्लु अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लाखों अकबर अल्लाह तेरी वकार, अल्लाह ताला फरमा देने से तंदर, अल्लाह ला फरमाया मोमनो मैं तुहाडे उत्ते एहसान कर छोड़िया है, एहसान अजीम कर छोड़िया है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े एहसान साडे ते फरमाए, जमीन बिछोना बनाई, आसमान खैमा बनाया, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया। अल्लाह पाक ने पांच सात साढ़े छे फुट दा कद नसीब फरमाया, लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया। जिसम दे अंदर अल्लाह ताला ने हार्ट नू रख दिता है, दिल नू रख दिता है, और दिल जेड़ा ओ पंप प्या करदा ब्लड नू, ते ब्लड पूरे जिसम दे अंदर गर्दश प्या करदा है। उस दिल दे पंप करन दी वजह दे नाल अल्लाह ला उन्हां कोलों पुछो ना जिन्हां नू हार्ट दा मसला है, उन्हां डॉक्टरां दे कोलों पुछो ना जेड़े हार्ट दे डॉक्टर ने। हजरात मोहतरम, अगर दिल एक सैकंड वास्ते रुक जाए, एक सैकंड वास्ते जनाब ब्लड जेड़ा प्रेशर करना रुक जाए, तो इंसान की डेथ हो जाती है, इंसान खत्म हो जाता है। लाखों अकबर अल्लाह ने नेमत देखे एहसान नहीं जितला आया। आखे ना अल्लाह ने एडी वड्डी नेमत दित्ती है कि जट्टा नू भी कहना पै गया अख दे नाल जहान है, अख नहीं ते जहान नहीं। अल्लाह ने एडी वड्डी नेमत दे के एहसान नहीं जितलाया। लाखों अकबर अल्लाह तेरी वकार, असी दस बारह पंद्रह भी मन पंजी तीह टन असी इथों वजन लाहौर पहुंचाना होए, गुजरांवाला दे अंदर पहुंचाना होए, उकाड़ा दे अंदर पहुंचाना होए, असी टैंकर मंगवाने आ, ट्रक मंगवाने आ, फिर लोड करने आ, फिर वो ट्रक लेके जांदा है, फिर वक्त लगदा है, हल्ला वक्त भी लगदा है, ते नाल किराया भी लगदा है, कैश भी लगदी है, पैसे भी लगदे ने। लेकिन वेखो ना अल्लाह ताला ने साडिया सिरां ते अल्लाह ताला ने आसमाना दे नाल बदल ढोर ने, जड़े टैंकरां दा काम पे करदे ने, जड़े जनाब अल्लाह दी रहमत दे नाल ते ओदे अमर दे नाल ट्रकां दा काम पे करदे ने। पानी एक मिंटां दे अंदर, चंद मिंटां अंदर फोन आंदा, जी मैं लाहौर खड़ा, मैं जनाब मुल्तान चुंगी ते खड़ा, इत्थे बारिश हो रही है, ठीक दसा मिंटां बाद कॉल आंदी है, मैं पत्तो नर्सरी अंदर खड़ा, इत्थे भी बारिश आ गई।
चाहिए ठीक दशा मिनट बाद कालम दिए रिनाला भाई पास ते भी बारिश होने लग गई है एक कौन प्याना नो भेज दे लाहौर तो रिनाला अंदर ते सिर्फ चंद मिनट अंदर अल्लाह ने इन्ना एहसान अजीम किया लेकिन अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया अब देओ सूरज सुबह तुलू आंदा है शाम नु अपने मखसूस वक्त दे गुरूब आंदा है जिदी हरारत दे नाल जिदी हीट दे नाल जिदी रोशनी दे नाल साडियां फसलां पकदियां ने असीं ओह फसलां खाने आ अचानक किन्ना सोहणा है ते चंद दी रोशनी दे नाल सैंसदान कहंदे ने साडियां फसलां अंदर दाणे अंदर चावल अंदर मक्की अंदर गन्ने अंदर कपास अंदर जड़े फ्रूट असी खाने इन्हां दे अंदर गजाइयत पैदा होंदी है अगर गजाइयत ना हो ते सिर्फ भोग ही जाने पेट अंदर सिर्फ पोतले छिलड़ ही जाने ने पेट अंदर इतनी वड्डी नेमत दित्ती अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया ते मेरे पैगंबर नु मबूस करके अल्लाह फरमांदे ने मोमनो मैं तुहाडे ते एहसान कीता है ते अल्लाह ने एहसान जितलाया हजरात मोहतरम इस आयत दे अंदर ते अल्लाह फरमांदे ने व इन कानू मैं कबलो लफी दलाल मुबीन अल्लाह फरमांदे ने मेरे पैगंबर तो पहले तुसी जलालत दे अंदर सो तुसी गुमराही दे अंदर सो तुसी जहन्नम दे ऐन किनारे ते पहुंच चुके सो तुसी जहन्नम दी दीवार ते डिगमगा रहे सो तुसी जहन्नम दी तरफ रवान दवा सो तुसी जहन्नम दी तरफ जा रहे सो ते 100 दी स्पीड ते जा रहे सो 120 ते सुई गई हुई सी साडे स्पीड दी लेकिन मेरे पैगंबर आए खिच के ते 120 दा मोड़ना बिना रुख जड़ा है जन्नत दी तरफ मोड़ दिता है अल्लाह को अकबर अल्लाह दराते दी वकार मेरे पैगंबर ने आन तो पहला अहले अरब किस जना बिना मुसीबत तो ते किस गुमराही तो गुजर रहे ने अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अरब अंदर हर बंदा अपनी अपनी इबादत दे अंदर लग्या है तौहीद तो शुरू करन लगा एक साइड तो शुरू करने आ ताकि किसे मोड़ ते पहुंचिए मजहबी उन्हां दे हालात की सन मुआशरती उन्हां दे हालात की सन मजहबी हालात बुत परस्ती आम है तुहम परस्ती आम है सितारा परस्ती आम है सयारा परस्ती आम है शजन परस्ती आम है हजर परस्ती आम है कोई किसे नो पूजदा पिया है ते कोई किसे नो पूजदा पिया है अल्लाहु अकबर अल्लाह दराते मोहतरम ते बुत्तां दी किन्नी पूजा करन वाले अल्लाह लाला तुसी नाम सुने होने ने लात मनात उज्जा हुबल वद सुवा यहूस यहूक नसर ए सारे ओ पुत ने जेड़े मक्के दे अंदर ओना बैतुल्ला शरीफ दीआं दीवार नसब कर दिता गया है घर अल्लाह ताला दे बैतुल्ला शरीफ है और ओदी दीवार दे नाल उन्हां ने बुत नूं नसब कर दिता है हुबल नूं नसब कर दिता है जरा जाओ ना तसव्वुरात दी दुनिया दे अंदर घर अल्लाह दा टिकाणा अल्लाह दा घर अल्लाह दा बैतुल्ला शरीफ है जिन्नू वेख्या कई इबादतां तों कम वध जांदा है ते उस बैतुल्ला शरीफ दीआं दीवारां दे नाल बुत लटका के अल्लाह दे घर अंदर बह के हाथ हुबल दे सामने उठांदे ने हाथ लात दे सामने उठांदे ने हाथ मनात दे सामने उठांदे ने अल्लाह लाला रात मोहतरम अल्लाह दा कुरान बयान फरमांदा है अल्लाह फरमांदे ने वकालू ला तदरुन्ना
آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوس ویعوق ونسرا۔ حضرات محترم، اے او بت نے جنہ بتاں دے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر ارشاد فرمائے، ایک بت ود ہے، سوا ہے، یغوس ہے، یعوق ہے، نصر ہے۔ اے او بت نے جڑے بت حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے جنہ بتاں دی عبادت شروع کیتی، جنہ بتاں دے سامنے سجدے کیتے۔ ہن غور کرنا، اے بت حقیقت اندر ہے گے کس چیز دے نے؟ اے بت حقیقت اندر مجسمے کس چیز دے نے؟ ود ایک مرد دا مجسمہ ہے، سوا ایک عورت دا مجسمہ ہے۔ ودا ولا سوا ولا یغوسا ولا یغوسا، جو کہ ایک گھوڑے دا مجسمہ ہے۔ ویعوقا، جو ایک جناب شیر دا مجسمہ ہے۔ ودا ولا سوا ولا یغوسا ویعوقا ونسرا، تے جڑا اینڈلا بوتے نا نصر، اے بوت گد دا بوتے، گد دا مجسم ہے۔ آ گد جڑی حرام خور کام دیئے، اتنے انہ دے افکار ڈیمج نے، انہ دے ذہن ڈیمج نے، اتنے انہ دے برین تے مائنڈ خراب ہو چکے نے کہ او گدان دی پوجا پہ کر دینے، گھوڑے آن دے سامنے سجدے پہ کر دینے، بتان دی پوجاری قوم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ درات زی وقار، میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا، آ کے بیٹھا، کہندے محبوب محبوب، گل بڑی غور دے نال سنن والی ہے۔ آقا جی، ایک دن جویا میں سفر تے گیا وا، سفر دے اندر چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر مینوں ضرورت پیش آئی ہے، میرے کول مددگار نہیں، پروردگار نہیں، میں جدے سامنے اپنے یار رکھ سکاں، میں جدے سامنے اپنی عرض رکھ سکاں، میں جدے سامنے اپنی گزارش رکھ سکاں۔ محبوب، میں سوچ دے اندر اپنے اونٹ نو روکے آئے، اپنی سواری نو روکے آئے، ایک درخت دے سائے دے تھلے میں گزر رک گیا ہاں، چند منٹاں واسطے، چند لمحات واسطے، تے میرے پیغمبر سن رہے نے، او صحابی سنائی جا رہا ہے، کہندا ہے محبوب انجو ہے، میرے اونٹ نے پیشاب کر دیتے ہیں، تے پیشاب دی وجہ کر کے مٹی گلی ہو گئی ہے، اس گلی مٹی نو میں اٹھایا ہے، اٹھا کے او دا پت بنا کے انو سجدے کرن لگ گیا ہاں۔ اتنی انہ دی مذہبی حالت خراب ہو چکی ہے، اللہ نو اتنا چھوڑ چکے نے، پیشاب اونٹ نے کیتا ہے، اس اونٹ دے پیشاب دی وجہ کر کے اس گلی مٹی دا بت بنا کے انہوں سجدہ کیتا جا رہا ہے۔ اتھو تک کی بس نہیں، ایک آیا کے کہندا ہے محبوب، ایک دن جو ہے میں گھر دے وچوں نکلیا ہاں، جناب محبوب میں ایک آٹے دا بت بنا لیا، اپنی سواری تے بیٹھ گیا، رستے دے اندر مینوں بھوک لگی اے، تے میرے کول کھانا کوئی نہیں۔ محبوب، لکڑا جمع کیتیاں نے، اگ جلائیے، اگ جلان تو بعد میں اس بت نوں اٹھایا، تے بت نوں اٹھا کے او جڑا آٹا سی، او دا رب جڑا بنیا سی، جڑا بت بنیا سی، اس جناب بنا آٹے دی روٹی پکا کے کھا گیا ہاں۔ اتنی مذہبی حالت انہاں دی خراب ہو چکی ہے، پھر کہنا اللہ کیوں نہ کہے وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے لوگ جہالت دے اندر اندر، میرے پیغمبر دے آن تو پہلے لوگ ضلال تو گمراہی دی دل دل دے اندر پھنسے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم، آئے پھر میرے پیغمبر
अकबर आए मेरे रहमतुल आलमीन आए साडे अहले हदीसां दे दिलां दी बहार आए मेरे मुर्शिद मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ते मेरे पैगंबर ने आके फरमाया खोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तफलियो ए छड़ दियो हुबल नू ए छड़ दियो लात मनात नू ए छड़ दियो तमाम बुतां नू ए कुछ नहीं कर सकदे ए किसे दा कुछ नहीं बिगाड़ सकदे ए त्यो गई बुत परस्ती हुन अगे तुम परस्ती ते गौर करना तुम परस्ती इतनी आम है तुम दा मन आउंदा है जिदे ते दिल चाया ओनू ही मन लिया अल्लाह ला ला दरात मोहतरम मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम तशरीफ फरमाने सहाबी आया आके कहंदा है महबूब तुहाडे आन तो पहला कलमा पढ़न तो पहला मुसलमान होन तो पहला साडे मजहबी अकायद ने खराब हो चुके सन साडा अकीदा इन्ना खराब हो चुकिया सी कि एक बुत दी असी इबादत करने हाँ एक पत्थर दी इबादत करने हाँ उस पत्थर तो जड़ा सोना पत्थर मिल गया उन्नू सुट दिता सोने दे पीछे लग गए इतनी मजहबी हालत उन्हां दी खराब हो चुकी है लाखों अकबर लादनाते दी वकार मेरे पैगंबर ने आके तो हम परस्ती दा खात्मा कीता अल्लाह लाला सितारा परस्ती अलग है सयारा परस्ती अलग है कोई सूरज नू पूजदा पिया कोई चन्न दी इबादत पिया करदा कोई जनाब सयारा ते सितारिया दी इबादत पिया करदा एक सयारा तारद है अजड़े मेरे दोस्तों ने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी उन्हां नू पता होना एक सयारा तारद है जिस तार दी पूजा कबीला बनू असद वाले करया करदे सन एक सयारा मुश्तरी है जिस मुश्तरी दी इबादत कबीला बनू लहम वाल हिजाम वाले करया करदे सन कोई सूरज दी पूजा प्या करदा कोई सितारियां दी पूजा प्या करदा कोई जनाब चन्न ते तारियां नू लगे लाखों अकबर लादरात मोहतरम आए फिर मेरे पैगंबर मेरे आका के फरमांदे ने कुल हुवल्ला अहद अल्लाह समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद मेरे पैगंबर आए मेरे आका के फरमांदे ने लोगो ए चन्न ते तारे ते परवरदिगार ने बनाए ने इंज करो इन्हां नू छड़ दियो जिन्ने इन्हां नू बनाया है ओदी इबादत शुरू कर देवो लाखों अकबर लादरा ते दी वकार मजहबी हालत उन्हां दी इतनी खराब है तो हम परस्ती ते लगे ने सितारा सयारा परस्ती ते लगे ने अपना अपना रब बनाया है अपने अपने खुदा बनाए ने अपने अपने परवरदिगार बनाए ने इत्थों तक कि बस नहीं हर महल्ले दा खुदा अलग है इत्थों तक कि बस नहीं हर घर दा खुदा अलग है इत्थों तक कि बस नहीं हर शख्स दा खुदा अलग है हर फर्द दा परवरदिगार अलग है हर बंदे दा परवरदिगार अलग है फिर इत्थों तक ही बस नहीं हर बंदे दे कोल हर मुश्किल वास्ते ने मुश्किल कुशा बनाया होया है एक बुत है जिदा नाम है अदवार ओ अदवार बुत सिर्फ लड़कियां वास्ते इस्तेमाल हुंदा है कुमारियां लड़कियां ओदे सामने आके हाथ उठांदियां ने हाथ बन के उन्हों मिन्नतां ते तरले करदियां ने अपनी ख्वाहिशां तुहाडे सामने रखदियां ने अपनी हसरत तुहाडे सामने रखदियां ने इतनी मजहबी हालत खराब हो चुकी है अल्लाह फरमांदे ने वाया कानू मिन कबलू लफी दलाल मुबीन मेरे पैगंबर ध्यान तो पहले लोग गुमराही अंदर सन लोग जलालत अंदर सन लोग अंधेरे अंदर सन लोग तरीकी अंदर सन लोग जहन्नम दे बाईपास ते लगे हुए सन लाखों अकबर लादरात मोहतरम फिर आए मेरे पैगंबर मेरे आका अलैहि सलातो सलाम आए ने मेरे आका ने आके वहदानियत दा दरस दित्ता है मेरे आका ने आके अल्लाह दी तौहीद दा दरस दित्ता है मेरे आका ने आके अल्लाह दी यकना यकतानियत दा दरस दित्ता है अल्लाह दे एक होन दा दरस दित्ता है लाखों अकबर लादरात ए ते मजहबी बुराइयां के मजहबी बुराइयां उन्हां दे अंदर केड़ियां केड़ियां सन आओ हुन माशरती बुराइयां ते गौर करना है मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मेरे पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम दे दीवानियों परवानियों अहले अरब दा नक्शा रखण लगा तुहाडे सामने माशरती बुराइयां किबर अलग है तकब्बुर अलग है जिना अलग है सूद अलग है रिश्वत अलग है जनाब बच्चियां नु जिंदा दरगोर करना अलग है औरत दे नाल नारवा सलूक करना अलग है इंतकाम दी जंग अलग है बेरहमी दी जंग अलग है लाखों अकबर लादरा तेरी वकार किबर कितना बड़ा है हर बंदा अपनी जगह ते सरदार है हर बंदा अपनी जगह ते चौधरी है हर बंदा अपनी जगह ते डेरेदार है हर बंदा अपनी जगह ते मुछा नू ते ला के वड पे जड़द है ओ मैं जिथे पैर रख देवा मेरे पैर नू हला को नहीं सकदा ओ जिथे मैं कदम रख दिया ओ मेरे कदम नू चुक को नहीं सकदा हर बंदा अपने आप नू हाथी समझी बैठा है ओ मेरे कदम नू चुकी को नहीं सकदा ओ तू मेरे पन्ना क्यों टपे है ओ तू मेरी सरहद क्यों टपे है ओ तू कौन होने मेरे सामने आन वाला किबर किबर हो चुके है तकबर तकबरी हो चुके है लाखों अकबर लादरा तेरी वकार ते इंतकाम दी जंग इतनी है इतना इंतकाम है बनु बकर और बनु तगलब ए दो कबीले ने ते एक दी बकरी दूसरे दी भाई दे वे चली गई है एक दी बकरी दूसरे दी फसल दे वे चली गई है वो बकरी दे जान दी वजह करके उन्ना दोना फरीकां दे दरम्यान 40 साल तक जंग रही है 40 साल तक जंग लड़दे रहने एक उस बकरी दी वजह करके इतनी इंतकाम दी जंग तेज है इतना इंतकाम लैन वास्ते उन्ना दी चाहत तेज है उस दौर दे अंदर मेरे पैगंबर तशरीफ लैके आए मेरे पैगंबर दे रब ने कहना वा इन कानू मिन कबलु लफी दलाल मुबीन मेरे पैगंबर दे आन तो पहले तुसी गुमराही अंदर सो मेरे पैगंबर दे आन तो पहले तुसी जनाब वाजिया गुमराही दे अंदर वाजे जलालत दे अंदर सो लाखों अकबर लादरा तेरी वकार ते औरत दे नाल कैसा सलूक कीता जांदा है हर घर दे दीवार ते परचम लहरा रहे है फलैग लहरा रहे है झंडा लगे है एक मखसूस किस्म दा झंडा लगे है ते जिस झंडे दा माना ए वे जिन्ने बदकारी करनी है इस घर दे अंदर सहूलत है आके कर जाओ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ इतनी जलालत बन चुकी है इतनी गुमराही बन चुकी है कि जनाब बदकारी वास्ते दावत दी जा रही है बदकारी वास्ते लेटर भेजे जा रहे ने बदकारी वास्ते लोगों नु बुलाया जा रहा है उदो अरब दी हालत वेख लो ते अज दुनिया दी हालत वेख लो अज मुल्क पाकिस्तान दी हालत वेख लो अज साडे बर्रे सगीर दी हालत वेख लो लाखों अकबर लादरा तेरी वकार फलैग लगे जिंदा दिल करता है के बदकारी कर जाओ फिर इथों तक ही बस नहीं हल्ला ला लादरा ते मोहतरम जदो बच्चे दी विलादत हो जाती है बच्चा जदो पैदा हो जाता है होती विलादत होती है होती विलादत तो बाद कुछ नजूमी आते ने सियाने आते ने अकलमंद आते ने दना आते ने वकूफ वाले आते ने हाई ब्रेन वाले आते ने हाई माइंड वाले आते ने ज़हन वाले आंदे ने ते आके बच्चे नु तकदे ने ते उस औरत दे नाल जिस जिस बंदे ने बदकारी कीती होंदी है उन्हां दा नाम लिया जांदा है ओ आके लैन बना के खड़े हो जांदे ने फिर ओ दना ते अकलमंद ते सयाने बंदे उस बच्चे नु वेखदे ने उस मर्द नु वेखदे ने फिर अगले मर्द नु चाहे उन्हां दी तादाद सैकड़ां दे अंदर क्यों नहीं 100 क्यों नहीं ज्यादा क्यों नहीं थोड़ी क्यों ने ओ नजूमी उस बच्चे दा बाप जिदे वल मनसूब कर देन फिर ओ बाप ओ बच्चे दा ओही बाप हो जांदा है वा इन कानू
من قبل لفی ظلال مبین گمرائی اتنی بڑھ چکی ہے ظلالت اتنی بڑھ چکی ہے لاکھوں عورت دے نال سلوک کیتا جا رہا ہے لاکھوں اکبر اللہ ایتھوں تک کہ بس نہیں ایک عورت او دا میاں فوت ہو جاندا ہے او دا ہسبنڈ فوت ہو گیا خاوند او دا فوت ہو گیا شوہر او دا دنیا تو چلا گیا وے لاکھوں اکبر اللہ رات دی وقار تے اس عورت نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا ہے کمرے دے اندر بند کرن تو بعد اونوں کھانا دیتا جاندا ہے بغیر نمک دے بغیر مسالے دے تے صرف مخصوص کھانا دیتا جاندا ہے پانی اونوں دیتا جاندا ہے جڑا پانی صرف او پی سکدی ہے اس تو زیادہ پانی نہیں دیتا جاندا ایک سال تک عورت کمرے چو باہر نہیں نکلدی جدوں ایک سال گزر جاندا ہے پورا ایک سال گزردا ہے اس تو بعد اس عورت دا جسم اتنا زہریلا ہو جاندا ہے او دے جسم دے نال کوئی ایک پرندہ کوئی ایک جانور لیا کے ٹچ کر دینے او جانور یا پرندہ ویسے ہی فوت ہو جاندا ہے اے عورت دے نال سلوک کیتا جا رہا ہے میرے پیغمبر دے آن تو پہلے میرے پیغمبر دے تشریف لے آن تو پہلے میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلے و انکانو من قبل لفی ضلال مبین پوری دنیا گمرائی اندر پوری دنیا ضلالت دے اندر پوری دنیا اندھیرے تے تاریکیاں دے اندر ڈبی ہوئی ہے لاکھوں اکبر اللہ رات دی وقار پھر آئے نے میرے پیغمبر میرے آقا علیہ السلام آئے میرے آقا نے فرمایا لوگو عورت تہاڈی بیوی وی ہے عورت تہاڈی ماں وی ہے عورت تہاڈی بہن بھی ہے عورت تواڈے نال عورت دے بڑے رشتے نے عورت چھوٹی نہیں ہوندی ہے بچی ہوندی ہے ایک بھائی دی عزت ہوندی ہے ایک باپ دی غیرت ہوندی ہے وہ بچی بڑی ہو جاندی ہے تے ماں بندی ہے تے میرے اللہ نے اس عورت دے قدماں دے تھلے اودی اولاد واسطے جنت رکھ چھوڑی ہے اللہ لا لا تے محترم میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے اللہ لبرلزم آج کل دا لبرلزم جڑے آج کل کہہ رہے نے اسلام نے عورت نو کی دیتا ہے اسلام نے جناب علم واسطے انسانیت نو کی دیتا ہے اسلام بچیاں دی تعلیم تو کیوں روک رہا ہے حضرات محترم میں انہاں نو دس دینا چاہنا ہاں اسلام نے بہت کچھ دیتا ہے تسی جہالت والے کچھ نہیں دے سکے تساں کچھ نہیں دیتا عورت نو تساں عورت دے کولوں دوپٹہ بھی چھین لیا تساں عورت دے کولوں نقاب بھی چھین لیا تساں عورت دے کولوں لباس بھی چھین لیا تساں عورت دی زیب بھی چھین لئی تساں عورت دی زینت بھی چھین لئی تساں عورت نو عورت نہیں رہن دیتا بلکہ عورت نو ایک فحاشا دا درجہ دے چھوڑیا ہے لبرلزم اے جناب ماروی سرمد دے اہلکار انہاں دے پیچھے پیچھے تالیاں مجان والے بڑیاں بڑیاں ڈونا تے احتجاج کرنے والے عورت مارت دے نام تے احتجاج کرنے والے لوگا دے سامنے نعرے بازی کر کے اسلام تو لوگا نو متنفر کرنے والے آ ویکھو آ نظر دڑاؤ نقشہ لے آؤ اسلام دے آن تو پہلے عورت نو کی مقام ملیا ہے اور اسلام تو بعد عورت نو کی مقام ملیا ہے لاکھوں اکبر اللہ دراتی دی وقار میرے اور تڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے عورت نو بڑا مقام دیتا ہے عظمت دیتی ہے اللہ اللہ حضرات محترم پوری دنیا دے اندر پوری دنیا دے اندر اس وقت 28,092 یونیورسٹیاں نے 28,092 یونیورسٹیاں دے وچوں اگر کوئی قدیم ترین پرانی اگر کوئی یونیورسٹی ہے تو اس یونیورسٹی دی بنیاد مسلمانہ نے رکھی ہے پوری دنیا دے اندر اس وقت 28,092 یونیورسٹیاں دے اندروں قدیم ترین یونیورسٹی الحمدللہ انہاں دی بنیاد مسلمانہ نے رکھی ہے اور مسلمان مرد دے نہیں
बल्कि उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद मोहतरमा फातमा बिनते मुहम्मद फहरिया उन्होंने रखी सी। 245 हिजरी के अंदर, और देखिए तारीख उठाकर दुनिया की तारीख देखिए, दुनिया की तारीख में लिखा है पूरी दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी ने डिग्री का इरा जब किया, सबसे पहले डिग्री जारी उस यूनिवर्सिटी ने की जिस यूनिवर्सिटी की बुनियाद मुसलमान औरत ने रखी थी। तुसी कह रहे हो इंसानियत नो इलम की दिता है इस्लाम ने, इंसानियत औरत नो की दिता है मकाम इस्लाम ने, देखो औरत इस्लाम ने औरत नु की मकाम दिता है। लोग कह रहे हैं जनाब इस्लाम जड़ा है एक कुंद एक मजहब है, नाउज बिल्ला मजहब जड़ा है लोगों नु वसी नहीं होने देता, मखसूस हद तक रखता है, मखसूस हद तक इस्लाम नहीं रख रहा, बल्कि तुम लिबरलिज्म रख ले हो। लाखों अकबर अल्लाह हजरात मोहतरम कायनात दे लोगो यूनिवर्सिटी के अंदर जड़ियों यूनिवर्सिटी जिंदा नाम है जामियातुल करवैन, जरा सर्च करो ना इंटरनेट पे जाके जामियातुल करवैन, वो यूनिवर्सिटी 18 साल तक बनती रही है, 18 साल तक बनती रही है। तो जड़ी मोहतरमा फातमा बिनते मुहम्मद फहरिया उन्होंने 18 साल तक की बगैर तवक्कुफ दे अल्लाह के सामने शुकराने दे रोजे रखे ने। तुसी कह रहे हो इस्लाम ने की दिता है इंसानियत नू, इस्लाम ने की मकाम दिता है औरत नू। लाखों अकबर लादना ते मोतनामा वेख्या जे ओ मेरी बहना हाथ दे अंदर फॉर्म उठा के, हाथ दे अंदर फ्लैक्स उठा के, हाथ दे अंदर बैनर उठा के दुनिया नू इस्लाम तो मुतनफर करने वास्ते जो रोड ते निकलनी है तेरे चेहरे ते नकाब नहीं होंदा, अल्लाह की कसम डुबन नू दिल कर दे मर जान नू दिल कर दे। साड़ी मुसलमान बहन किस रोड ते चलन लग गई है, साड़ी मुसलमान मां किस प्लेटफॉर्म ते खड़ी हो गई है। लाखों अकबर अल्लाह गौर करना मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम तशरीफ फरमाने एक बंदा आया एक जवान आया आके मेरे पैगंबर दे सामने हाथ बन्ने ने ते बह गया ते रोना शुरू कर दिता, रोई जा रहा है रोई जा रहा है। महबूब ने पूछा हो अल्लाह दे बंदिया बेलिया होया की है वजह की है, वो केड़ा सबब है जिन्नू तैनु रोते मजबूर कर दिता। महबूब मैं बड़ा गुनहगार, महबूब मैं बड़ा सियाकार, महबूब मैं बड़ा खताकार, वो बिलिया तेनू आया की है। महबूब एक वक्त सी मैं कानू मिन कबल लफी जलाल मुबीन, जो जलालत गुमराही दी दल दल दे अंदर सी फंसे हुए सा, एक वक्त जाया के जनाब मैं दरवाजे दे विचों निकलन लगा ते जाए ते जान लगा घरों निकलन लगा ते मेरे घर के अंदर अल्लाह ने आस लगाई हुई है, अल्लाह ने उम्मीद लगाई हुई है। अल्लाह लाला ते मैं अपनी बेट बीवी नू एक लेसन दिता है, सबक दिता है, तरस दिता है, उन्नू कंजुक चंद गुजार शाद कीतिया ने। है मेरी जोजा मोहतरमा जो घर के अंदर बच्चे की विलादत तो जाए अगर ते बेटा हो ते उसकी तरबियत अच्छे तरीके नाल करनी है, अगर बेटी होवे तेनु जिंदगी दफन कर देना है। लाखों अकबर लाजना ते मोहतरम वो बंदा नाले रोई जा रहा है, नाले आप बीती सुनाई जा रहा है, नाले अपने पिंडे दे नाल अपनिया हड्डिया दे नाल अपने जिसम दे नाल ओए वाक्य नु सुना रहा है। महबूब मैं जदों वापस आया दरवाजा खटखटाया ते एक नन्नी जी कली ने दरवाजा खोलिया, एक फुल ने दरवाजा खोलिया, मैं वेख्या तेरे अंदर गई ए हो सकता है मेरी बेटी होवे। महबूब मैं घर के विचों बाहर निकलिया इंज बाजार के अंदर जा रहा सां ते लोग मेरी तरफ इंज उंगलियां दे इशारे कर दे, इंज मेरी तरफ इशारे करके कम दे आ बेटी वाला जा रहा है, आ धी वाला जा रहा है, कल नू एदा भी कोई जवाई बनेगा, कल नू एदे घर के अंदर भी बारात आएगी। महबूब कानू
मिन कबल लफी जलाल मुबीन उन्ना दिया गल्ला ने मेरे जहन ते बड़ा असर किया, मेरे दिल ते बड़ा असर किया। महबूब मैं उस बच्ची दे करीब आया, उस बच्ची दे कोल आया, अपने घर के अंदर आया ते जनाब मैं अपने घर के अंदर सोचन लग गया। महबूब मैं उस नन्नी कली नू करा ते की करा, महबूब मैं उस बच्ची दे नाल की करा ते की ना करा। हजरात मोहतरम और कन्ने मेरी गल ते लाखों अकबर ला और बंदा आया अपने घर के अंदर ते आके अपनी बीवी दे नाल गल कीती, मैनू ते लोग ताने दे रहे ने, मैनू ते लोग मेने दे रहे ने। लाखों अकबर लादला ते जी वकार, बंदा सोचदा घरों बाहर निकले, एक महफिल के अंदर जाके बैठे, एक मजलस अंदर जाके बैठे, ते जनाब उस मजलस अंदर उस महफिल के अंदर उसने बेली सज्जन भी बैठे हुए ने, ते जनाब जदों बोलन लगे ते कहंदे ने चुप कर जा तू ते दियां ले तू ते बेटियां ले, तेरा नक नहीं इत्थे बोलन दा, तेरा हक नहीं इत्थे बोलन दा। लाखों अकबर लादरा ते जी वकार गौर करिया जे, हल्ला लाला ते मेरे पैगंबर सुन रहे ने, ते नाल मेरे पैगंबर ध्यान सुन जा रही ने। वो घर अंदर आया आके बेटी नू उठाया ते चल पे है, बेटिए मैं तेन लेके जा रहा सैर कराने वास्ते, मां ने तैयार किया ते बेटी नू बड़िया खुशियां ने, अज मैं बाप दे नाल सैर करनी है, अज बाप मैनू खिलौने लेके देगा, अज बाप मैनू खिलौने लेके देगा। लाखों अकबर लादरा ते जी वकार ते चलदियां जंगल दे अंदर बेटी नू रोक दिता ते गड़ा खोदना शुरू कर दिता। बेटियां वाले ओ पता ना बेटियां नू अपने मापिया दे नाल किन्ना प्यार होंदा है। हाँ चंद दिन पहले फेसबुक ते एक वीडियो वेखन नू मिली, इंज बाप ते बेटा ते बेटी खेलदे पैने, खेलदे पैने, हाँ यस्सू पंजू खेलदे पैने, बाप हार गया बेटा जित गया। इंज बेटे दे सामने बाप ने हाथ जोड़े ने ते बेटा हत्थां दे उत्ते चपेटा पिया मारदा है, जिन्ना जोर है उन्ने जोर दे नाल खिच के जे बेटा पिया मारदा है, ते बाप खुश प्यौंदा है, बाप खुश प्यौंदा है। हल्ला लाला जदों बेटे दीवानी मुकम्मल हुई है, हुन बेटी ने मानिया ने चपेटा ते इंज हाथ उन्ने मोड़े ने अपनी बेटी दे वल, बेटी वाला ते कीते ने ते बेटी ने वेख्या तखां च वथरू आ गए, हत्थां नू चुम्या ते गले दे विच बाहां पा लिया। अब्बा जी मेरा दिल नहीं करदा तुहानूं चपेटा मारा, अब्बा जी मेरा दिल नहीं चाहता मैं तुहाडे हत्थां ते चपेटा मारा। वो बेटियां ते बड़ा प्यार करदियां ने, वो बेटियां ते घर दी ज़ीनत होया करदियां ने। लाखों अकबर लादरा ते जी वकार, बेटी कहंदी ए वो बाप मैं तेरी खातर हार सकनी हाँ, बाप लेकिन तेनू चपेटा नहीं मार सकती। हल्ला ला लादरा ते मोहतरम, धियां घर मापियां दे रहमतां ने होंदियां, धियां घर मापियां दे रहमतां ने होंदियां, मापियां नू दुख आवे भुख भुख रोंदियां, धियां घर मापियां दे रहमतां ने होंदियां, मापियां नू दुख आवे बुक बुक रोंदियां। रहमत समझ के मापे, रहमत समझ के मापे ते बेटी जानाल पाल दे, इज्जत तो कीर उस दी रख दे संभाल के, बेटी मापेरी जान नाल पाल दे, इज्जत तो कीर उस दी रख दे संभाल के। मापियां दा घर छड, मापियां दा घर छड, एक दिन टुर जांदियां
दिया घर मापियां दे रहमतान होंदिया दुख न देवी अल्लाह आमीन पढ़ना दुख न देवी अल्लाह दुख न देवी अल्लाह किसे नूमी दिया दे दुख न देवी अल्लाह किसे नूमी दिया दे दुख न देवी अल्लाह पुछो उस बात कोलू जी बेटी लड़के घर अंदर आइए जिस बात की बेटी नू तलाक आ गई है उस बात कोलू पुछो बेटिया का दुख की होंदा बेटिया की तकलीफ की होंदी है दुख न देवी अल्लाह किसे नू मिदिया दे पुछो ना तो जड़े दुखी न जिया दे जड़े दुखी न जिया दे पैर बुवे पांदे आही पैर बुवे पांदे आही अथरू बहांदियां दिया घर मापियां दे रहमतान होंदियां बाप ने उठाया गणा खोदना शुरू कर दिता है ते गणा खोदने है ते वो बच्ची निक्की जी बच्ची अपने बाप दे कपड़े साफ भी कर दिए ते बोल के कहंदी अब्बा बस कर दे बस कर दे धुप बड़ी चढ़ गई है अब्बा बस कर दे उन ते साया भी कोई नहीं अब्बा बस कर दे आ वेखे ना सूरज भी सर ते आ गया है अब्बू जी बस कर दे वेखो ना तनु पसीना किन्ना आया है हो बेटिए तेनू की पता होवे ए बाप तेरा गड़ा नहीं सिर्फ एक गड़ा नहीं खोददा पिया तेरी कबर बनाउंदा पिया ते कबर भी तेरी जिंदी दी बनाउंदा पिया लाखों अकबर लाजरा ते मोहतरम हो वाकिया सुनाउंदा पिया मेरे पैगंबर नू मेरे पैगंबर रोई जा रहे ने सहाबा फरमांदे ने लालिया बस कर दे चुप कर जा फिर पैगंबर फरमांदे ने साबा तुसी खामोश हो जाओ इनू बोलन देवो इनू बोलन देवो लाखों अकबर लादना तेरी वकार वो बेटी वो बच्ची नाले बाप दे कपड़े साफ भी कर दिए नाल बाप नू हेडलाइन भी दें दिए नाल बाप दे हमदर्द बनी खड़ी है लाखों अकबर लादना ते मोहतरम ते कहंदे महबूब मेरे दिल ते उस बच्ची दे गल्लां दा असर नहीं हो रहा वा इन कानू मिन कबलू लफी जलाल मुबीन महबूब मैं गड़ा खोदिया मैं ओ गणा खोदिया गणा खोदन तू बाद हो जड़ी बच्चिए उन्हों पकड़िया ते ओ दे वेच पा दिता तो ते मट्टी सुटन लग गया पहले बड़ी खुश हुई है अपने आप ही मट्टी खिंच के अपने उत्ते ले जा रही है कि मेरा बाप मेरे नाल प्यार प्या कर दे मेरा बाप मेरे नाल मोहब्बत प्या कर दे अपने आप ही खिंच खिंच के ते अपने उत्ते मट्टी लिया रही है जदों मट्टी दे अंदर ओ दे हाथ ने बंद ते बच्ची जी खा मारन लग पई है निक्की जी सी रोन लग पई है ते बोल के कहंदी बाबा की कर रहे हो अब्बू जी की कर रहे हो अब्बू जी तुसी क्यों कर रहे हो मैं गुनाह की कीता है मैं गलती की कीती है केड़ी गुनाह दी मैनू सजा भी मिलती है महबूब मेरे दिल ते असर नहीं होया ना गल्लां दा महबूब बच्ची मिट्टी दे अंदर मैं उस बच्ची नू दफन कीती जा रहा ते एंड ते जाके बच्ची कहंदी है मेरे बाबा जान मैं हाथ बनिया तेरे सामने मैं पैसे नहीं मंगांगी महबूब मैं उन्नू बच्ची दियां गल्लां पिया सुनना कहंदी अब्बा जी मैं पैसे नहीं मंगदी मैं कपड़े नहीं मंगदी अब्बा जी मैं तेरे कोलों खर्चा नहीं मंगदी मैनू इत्थे छोड़ देवो मैं तेरे नाल वापस भी नहीं जावांगी अब्बू जी अगर मैनू पता होंदा अज मैं मर जाना मैं अलविदा अपनी मां नू ते कर लैंदी अपनी मां नू ते रज के मिल के आ जांदी महबूब रोई जा रहे ने ओ बंदा वा क्या
सुनाई जा रहा है। महबूब जो मैं मट्टी डाल लीए बच्ची थले दफन हो गई है, ओदी रूह परवाज होन लगी है, तो बच्ची चीख मार के कहती अब्बा एक वक्त आना है जिथे तुहानू हिसाब देना पेगा, जिथे तुहानू किताब देना पेगा, जिथे मैं सारे बदले ले लवांगी। अल्लाह अकबर अल्लाह महबूब जड़ी उन्हें चीख मारी है, मैं रात नू सौन लगना वो चीख मेरे सामने आ जाती है। महबूब मैं खाना खान लगना वो खाना खांद्या भी चीख मेरे सामने आ जाती है। महबूब पता नहीं अल्लाह ने बख्शना भी है कि कोई ना, से मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह दे बंदे जदों तू कलमा पढ़ लिया अल्लाह ने तेनू माफ कर दिता है। हो लिबरल लांटियो मेरा जिसम से मेरी मर्जी दे नारे मारन वाली हो, और हकूक निस्वा दे नारे मारन वाली हो, और हकूक निस्वा दी आड़ दे अंदर इस्लाम तू लोगों नो मुतनफर करने वाली हो, और हकूक निस्वा दी आड़ दे अंदर बेटियां नो बाप दी दलील तू बाहर कढ़न ते मजबूर करने वाली हो, बेटियां नो मजबूरन नकाब उतरवाण वाली हो, बेटियां दे हथां दे अंदर कंफलट पकड़ाण वाली हो, बेटियां दे हथां दे अंदर बैनर पकड़ा के ते इत्तेजाज करने वाली हो। सुन लो इस्लाम नहीं सी ते थोड़ी इज्जत की सी, इस्लाम माया ते थोड़ी इज्जत बन गई ते की इज्जत बनी है। अल्लाह लाला मेरे पैगंबर आए मेरे आका ने हिस्सा तो सलाम आए ने, मेरे आका फरमांदे ने दो बेटियां पालियां जिन्ने उन्नू पाक नबी फरमा गया, दो बेटियां पालियां जिन्ने उन्हों पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया, दो बेटियां जेड़ा पालेगा नाले अदब अदाब सिखा लेगा, नाले अदब अदाब सिखा लेगा, उते आखरत अपनी बना गया, दो बेटियां पालियां जिन्ने हुनु पाक नबी फरमा गया, इस्लाम दे कबल अंधेरा सी, इस्लाम दे कबल अंधेरा सी, हर पासे जुल्म डेरा सी, आया मुर्शद तेरा मेरा सी, जेड़ा सारे जग नू जगा गया, दो बेटियां पालियां जिन्ने हुनु पाक नबी फरमा गया, बेटी रोंदी ते कुरलांदी सी, बेटी रोंदी ते कुरलांदी सी, रो रो के हाड़े पांदी सी, सोना रहमत बन के आ गया, दो बेटियां पालियां जिन्ने हुनु पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। वाह खुदा मान अल्हम्दुलिल्लाह।